स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप इन आईटी। न्यूमेरिकल मेथड्स के लेक्चर 14 में आज हम यूलर मेथड को डिस्कस करेंगे। यूलर मेथड इज आल्सो नोन एज फॉरवर्ड यूलर मेथड, ये इसका अनदर नेम है यूलर मेथड का। ये जो मेथड है वो हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस जो कि हमने प्रीवियस अपने लेक्चर में डिस्कस की थी उसको सॉल्व आउट करने में हेल्पफुल रहता है। इट इज नेम्ड आफ्टर लियोनार्ड यूलर, इनके नाम के बाद ही इस जो मेथड है इसका नाम यूलर मेथड पड़ा। दिस इज द आइडिया ऑफ लीनियर अप्रोक्सीमेशन। इसके अंदर इनिशियली कुछ लीनियर अप्रोक्सीमेशन हम करते हैं एंड देन उसको फर्दर मूव ऑन करते हैं। जो यूलर मेथड का फॉर्मूला है वो क्या कहता है, वाई आई प्लस वन इज इक्वल टू वाई आई प्लस एच फंक्शन ऑफ एक्स आई वाई आई। अब इसको समझेंगे, ये वाई आई, आई मीन्स जो आपने स्टार्टिंग में जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन किया है वो ये है वाई आई। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन के अंदर हम उसकी वैल्यू प्लस वन इंक्रीज करते जाएंगे। एच आपका स्टेप साइज है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो इंटरवल्स के बीच की वैल्यू, यानी कि दो इंटरवल्स का डिफरेंस। एक्स आई वाई आई आपका इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है जिसकी वैल्यू आप फंक्शन के अंदर पुट करते हैं और यहाँ पे वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो जाती है। एच आपका एक्स वन माइनस एक्स नॉट है, जैसे कि हमने पहले बताया ये दो इंटरवल्स के बीच का डिफरेंस बोल सकते हैं या फिर इसको आप स्टेप साइज भी बोल सकते हैं, और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं x1 वन इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच। तो ये रहा आपका कंप्लीट यूलर मेथड। अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं तो इसमें ज़्यादा क्लियर होगा। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वाई। जो से फंक्शन की हम बात कर रहे थे वो फंक्शन आपका ये है। यहाँ पे कहा गया है वेयर y जीरो ऑफ जीरो। जीरो ऑफ जीरो का मीन्स ये है कि जब आपका x की वैल्यू जीरो हो तो आपकी y की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब x हमारा 0.5 हो बाय यूलर्स मेथड। अगर आप इस स्टेटमेंट को मैच करते हैं अपने फॉर्मूला के साथ तो आपके पास फंक्शन है इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के लिए, आपके पास फंक्शन है इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के लिए, आपके पास वैल्यूज हैं, किस वैल्यू पे फाइंड आउट करना है वो भी वैल्यू आपके पास प्रेजेंट है, लेकिन आपके पास जो यहाँ पे इन्होंने जिस एच की बात करी है वो आपके पास गिवन नहीं है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में एच की वैल्यू गिवन ही होती है तो आपको निकालना नहीं पड़ता, लेकिन अगर फिर भी किसी क्वेश्चन के अंदर एच नहीं गिवन तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसके अंदर एच की वैल्यू नहीं है। अगर एच की वैल्यू होती है तो आप डायरेक्टली उसको पुट कर देते हैं इक्वेशन से। इस क्वेश्चन से हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि h की वैल्यू फाइंड आउट कैसे की जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लस डी वाई बाई डी एक्स क्या है, 3x प्लस वाई। तो ये आपका क्या है, फंक्शन है f ऑफ x y है। ठीक है, आपके पास y 0 पे 0 गिवन है। क्या लिखा हुआ है, y 0 पे 0। जो आपकी इंटरनल वैल्यू होती है वो होती है x। तो दैट मीन्स वो ये बोलना चाहते हैं x नॉट जब 0 हो तो y नॉट क्या आता है, 0। x नॉट 0 हो तो y नॉट क्या आता है, 0। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन आपको हमेशा गिवन ही होगी। ठीक है, जैसे कि टेलर सीरीज के अंदर भी हमने पढ़ा था इनिशियल अप्रोक्सीमेशन आपको गिवन होती है। हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब आपका x 0.5 है। ठीक है, तो दैट मीन्स हमें 0.5 पे अचीव करना है। तो वो कैसे अचीव करेंगे वो हम देखेंगे। आपके पास h गिवन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम h ही फाइंड आउट करते हैं। आपके पास गिवन क्या है, 0 से लेके आपको 0.5 तक जाना है। इनका कहने का मतलब है आपको 0.5 पे वैल्यू निकालनी है। इनिशियली आप x 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो दैट मीन्स आपका जो इंटरवल हो गया वो 0 से लेके 0.5 तक हो गया। दैट मीन्स 0 से आपने स्टार्ट किया और फिनिश कब तक करना है, जब आपका x की वैल्यू 0.5 हो तो उस पर y क्या होगा हमें वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको जो इंटरवल बना वो बना 0 से लेके 0.5 तक। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये 5 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड 0.5। तो 5 इंटरवल्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इसके अंदर इनका डिफरेंस देखें, क्योंकि h क्या कहते हैं, h इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरवल्स। तो h अगर हम डिफरेंस निकालें तो x1 में से अगर हम x0 माइनस करें, अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं या फिर आप कोई भी इंटरवल को माइनस करके देख लीजिए, आपका आंसर क्या आएगा, 0.1। तो दैट मीन्स आपका h क्या होगा, 0.1। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट यहाँ से हो गया क्योंकि हमने स्टार्टिंग और एंडिंग इंटरवल 0 से लेके 0.5 है, तो इसके बीच में कितने इंटरवल्स आ सकते हैं, 0, 0.1, 2, 3, 4,
ये सब चीज़ें आ सकते हैं अगर हम इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करें तो। और अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस लूँ, किसी भी इंटरवल के बीच का डिफरेंस लूँ, तो वो सब में इक्वल आ रहा है, तो दैट मीन्स वही आपका क्या होगा, स्टेप साइज होगा। तो यहाँ पे आपका h क्या आ गया, 0.1। इस तरह से आप h फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट आपका फॉर्मूला क्या कहता है, y i प्लस 1 इज इक्वल टू y i प्लस h फंक्शन ऑफ x i y i। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इनिशियली। आई को हमने क्या लेना है, जीरो, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, जीरो प्लस वन इज इक्वल टू जीरो प्लस एच फंक्शन ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो वाई वन। अब आप मुझे ये बताइए आपके पास वाई नॉट की वैल्यू क्या है, जीरो है, यहाँ पे हम जीरो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्लस एच आपके पास वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है, दैट इज 0.1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.1 फंक्शन। अब देखिए ये बात समझने वाली है कि फंक्शन के अंदर हम वैल्यू पुट क्या करें। फंक्शन आपका ये फंक्शन है, तो इसके अंदर आप x नॉट और y नॉट की वैल्यू पुट करेंगे और देन आप उसको क्या करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट। ये मैं आपको सेपरेटली करके बताती हूँ। f x नॉट y नॉट, ठीक है, इनका कहने का मतलब क्या है, फंक्शन x नॉट क्या है, जीरो, y नॉट क्या है, जीरो। दैट मीन्स जो आपका मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन क्या है आपका, 3x प्लस वाई, यानी कि आप जो आपका मेन फंक्शन है उसके अंदर आप x और y की वैल्यूज ये रिस्पेक्टिवली लेंगे, तो दैट मीन्स 3x क्या होगा, जीरो, प्लस y क्या है, जीरो। कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, तो इस तरह से आप ये वाले जो फंक्शन है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट मीन्स वाई वन इज इक्वल टू जीरो प्लस 0.1 मल्टीप्लाई जीरो, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो दैट मीन्स वाई वन आपके पास क्या आ गया, जीरो। ठीक है, अब हम सेकेंड आइटरेशन पे मूव करते हैं। फोर आई इज इक्वल टू वन, उसके लिए हमें x भी चाहिए होगा। चलिए फाइंड आउट करते हैं। अब पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या वैल्यूज जो है वो प्रेजेंट है। y1 क्या है आपके पास, जीरो। ठीक है, x1 आपको नहीं पता। ठीक है, x1 कैसे निकलेगा, वैसे तो आप यहां से आपको पता चल जाएगा कि x1 0.1 है, लेकिन फिर भी मैं आपको फॉर्मूला से बताती हूँ। x1 क्या कहता है, x नॉट में h प्लस कर दें आप, x नॉट में आप h प्लस कर दें। एक्स नॉट क्या है आपका, जीरो, एच है आपका 0.1, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 0.1। वैसे आप यहां से भी देख सकते थे, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप वैसे एक्स वन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जनरली हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट आइटरेशन पे चलते हैं। वाई आई प्लस वन इज इक्वल टू वाई आई प्लस एच फंक्शन ऑफ एक्स आई वाई आई। जो हमने i की वैल्यू पिक की है वो क्या है, 1। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू वाई वन प्लस एच फंक्शन ऑफ एक्स वन वाई वन। ये y2 हो गया। y1 की वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी प्रीवियसली, तो उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। h आपका 0.1 ही है। अब देखिए, अब मैं डायरेक्टली यहीं पे फंक्शन की वैल्यू पुट कर रही हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने आपको सेपरेटली फाइंड आउट करके बताया था, मैं इसी के बीच में कर रही हूँ। अब हमने x1 और y1 ये वाला लेना है, x1 लेना है 0.1 और y1 लेना है 0। मेन फंक्शन के अंदर इन दो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए। मेन फंक्शन क्या है, 3x, x आपने क्या लेना है, 0.1 प्लस y आपका क्या है, 0। स्टार्टिंग में आप सेपरेटली फाइंड आउट करिए, लेकिन जब आप हैंडी हो जाएंगे तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं। y2 इज इक्वल टू 0 प्लस 0.1, ये आपके पास आ गया 0.3। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.03। ठीक है, उसको लिख लेते हैं। y2 आ गया हमारे पास 0.03। चलिए अब हम थर्ड पे चलते हैं। थर्ड के लिए दोबारा से हम ये लिखते हैं, y2 क्या है आपके पास, 0.03, और x2 क्या होगा, x1 प्लस एच। ठीक है ना, जैसे x1 x0 प्लस एच था, तो
तो x2 x1 plus h हो जाएगा, x3 x2 plus h हो जाएगा. सिमिलरली x1 है आपका कितना 0.1 प्लस h है आपका 0.1, तो कितना आ गया 0.2. हम यहाँ से भी देख सकते हैं x हमारा 0.2 है. चलिए अब फॉर्मूला पे आते हैं. ये फॉर्मूला लिखेंगे, मैं फॉर्मूला अब नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्टली कर रही हूँ. तो y3, क्योंकि अभी हमारा क्या है फॉर i इज इक्वल टू 2, ठीक है. तो यहाँ पे 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, प्लस h फंक्शन ऑफ x टू y2, ठीक है. चलिए इसको सॉल्व आउट करिए. y2 की वैल्यू 0.03, h आपका 0.1 है. फंक्शन के अंदर x2 और y2 आपको ये लेना है, मतलब कि x2 आपका होगा 0.2, y2 आपका होगा 0.03. फंक्शन क्या है ये, तो इस फंक्शन के अंदर इन दो वैल्यूज को करना है हमें सब्स्टिट्यूट. 3 x क्या है 0.2 प्लस लगाए यहाँ पे, तो हमें प्लस लगाना है. y क्या है 0.03, ठीक है. इसको कम्प्लीटली आप कैलकुलेट करिए, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 0.093, ठीक है. तो ये आपका क्या आ गया y3. चलिए नेक्स्ट करते हैं. हमें तब तक ये आइटरेशंस करनी है जब तक हमारा ये वाला जो मोटिव है वो क्लियर ना हो जाए. जैसे ही x आपका 0.5 आया, जैसे आप x आप फाइंड आउट कर रहे हैं, पहले 0.1 आया है, पहले 0 था, फिर 0.1 आया, फिर 0.2 आया. जैसे ही आपका x 0.5 आता है, आपने वहीं पे स्टॉप करना है और वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है. अभी नेक्स्ट आइटरेशन में हमारा 0.3 आने वाला है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट करते हैं, फोर्थ आइटरेशन. यहाँ पे क्या था, फोर आई इज इक्वल टू 2. अब क्या होगा, फोर आई इज इक्वल टू 3. मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्टली कर रही हूँ. यहाँ से आप देख सकते हैं y, i प्लस 1 तो 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, y 3 प्लस h फंक्शन x 3 y 4. y 3 अभी आपने फाइंड आउट करा, क्या था आपके पास 0.093. पुट करिए 0.093, h है आपका 0.1 फंक्शन ऑफ x3. अब x3 हमें निकालना होगा, x3 क्या होगा, x2 प्लस h. 2 क्या था, 0.2 प्लस 0.1, तो आ गया 0.3. तो फंक्शन के अंदर हमें पुट करना है x3 y3. चलिए करते हैं, y4 इज इक्वल टू 0.093 प्लस 0.1, ठीक है. मतलब कि अब हमें x3 की वैल्यू क्या लेने हैं 0.3, और y3 की वैल्यू हमने प्रीवियसली फाइंड आउट करी थी 0.093, ठीक है. हम अपने मेन फंक्शन पे आते हैं. मेन फंक्शन क्या है हमारे पास, 3x plus y. अब हम यहीं से लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई x, x का लेना है हमने 3 क्या है 0.3. यहाँ पे प्लस है, प्लस लगाएंगे. y आपका क्या निकला था प्रीवियस आइटरेशन में, 0.093, ठीक है. आप इसको कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 0.1923, ठीक है. चलिए अभी हमारा x 0.3 है, दैट मीन्स हमें एक दो आइटरेशन हमें और करनी पड़ेंगी, ठीक है. अब हमने क्या लेना है, फॉर i इज इक्वल टू 4, वही मेन फॉर्मूला. y क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 5, y 4 प्लस h फंक्शन ऑफ x 4 y 4. y 5 निकालना है, y 4 क्या निकला प्रीवियस आइटरेशन से 0.1923, प्लस h है आपका 0.1, फंक्शन ऑफ x 4 y 4. अब x 4 तो हमने निकाला नहीं था यहाँ पे, क्योंकि हमने y 4 पे स्टॉप कर दिया था. तो x 4 क्या होगा, x 3 प्लस h. x 3 क्या था आपका 0.3, 0.3 प्लस 0.1 कितना आ गया 0.4. चलिए पुट करिए, y5 इज इक्वल टू 0.1923 प्लस 0.1 x4, मतलब कि आपका फॉर्मूला क्या था x प्लस 5. तो हमें क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम 3 मल्टीप्लाई x क्या है 0.4 प्लस y है आपका 0.1923. अब हम इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेशन के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 0.3
153। अब ये देखिए ये क्या है हमारे पास y5, और अगर मैं x5 फाइंड आउट करूँ तो वो क्या होता है x4 प्लस h, दैट मीन्स 0.4 प्लस 0.1, तो आगे वैल्यू 0.5। हम ये बोल सकते हैं y ऑफ 0.5 इज इक्वल टू तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि जब x आपका 0.5 है तो आपके y की वैल्यू क्या आ जाती है 0.33153। तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हो गया आपका कंप्लीट यूलर मेथड। ये कुछ क्वेश्चंस हैं प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, क्वेश्चंस विद आंसर्स की। आप इन क्वेश्चंस में देख सकते हैं यहाँ पे h की वैल्यू आपको गिवन है इस क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में भी, तो दैट मीन्स h की वैल्यू फाइंड आउट करने का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप डायरेक्टली वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको h की वैल्यू निकालनी है तो हमें फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है x1 में से x0 को माइनस करेंगे। इनिशियली हम ये चेक करेंगे कि कितने नंबर ऑफ इंटरवल्स में हम x की वैल्यू को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये है यूलर मेथड की क्वेश्चंस। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन मेल अस एट द ID गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।